औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के जालौन चौराहे पर एक लड़की को गोली मार दी गई। गोली लगने से घायल लड़की को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने लड़की को मिनी पीजीआई सैफई रेफर कर दिया और परिजनों से बात की जा रही। लड़की को क्यों गोली मारी गई, परिजन की तहरीर पर जानकारी प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की टीम में आरोपी को पकड़ने के लिए लगा दी गई है और शीघ्र ही मामले का खुलासा भी संभवतः हो जाएगा। तो परिजन की तहरीर जनपद औरैया में एक 19 वर्ष की लड़की को उसके जानने वाले रामजी सोनी द्वारा जालौन चौराहे पर लगभग 8:30 बजे गोली मारी गई है। तत्काल मौके पर जिला अस्पताल लाया गया जहां बेहतर उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। परिजनों से वार्ता कर कारणों की जांच की जा रही है, किन कारणों से उसे गोली मारी गई और शीघ्र कार्रवाई की। लड़की अभी यहां डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए सैफई भेजा है, यद्यपि अभी कंडीशन उसकी स्टेबल है और वहाँ पहुँचने के बाद ही स्थिति क्लियर पता चल पाई। कोतवाली थाना अंतर्गत जनपद औरैया में एक 19 वर्ष की लड़की को तो परिजन की तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांशु हमारे साथ औरैया से लाइव जुड़ गए हैं। दीपांशु, क्या कुछ पूरा मामला है, लड़की को गोली क्यों मारी गई, इसको लेकर इस पूरी घटना को लेकर क्या जानकारी आपके पास? लड़की को एक युवक ने गोली मार दी। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि अभी परिजनों ने तहरीर दी है, किसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर गोली क्यों मारी उसने। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा 3 टीमें गठित की गई है। अभी युवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। युवक के घर के बाहर पुलिस मौके पर मौजूद है, अभी लड़की की जो है हालत गंभीर है। तो ये लड़की को गोली क्यों मारी गई ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लड़की की हालत कैसी है और अभी उसको कहाँ रेफर किया गया? उसको सैफई पीजीआई के लिए रेफर किया गया। लड़की की हालत अभी चिंताजनक बनी हुई थी, अभी युवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ युवक। तो ये कितने बजे की घटना है और कहाँ पर ये घटना हुई? देर रात्रि 8:30 बजे जालौन चौराहे पे स्थित ये घटना हुई। और परिजनों की क्या कुछ तहरीर है, परिजनों की कुछ शिकायत, किसी को कोई नाम जो परिजन को लगता हो कि वो कर सकता है इस तरीके से? देखिए तिरुण जी, जो युवक है जिसने गोली मारी है वो युवक लड़की का जानने वाला है, परिजनों ने तहरीर दी हुई है। अभी जो है लड़की की हालत गंभीर है, इसलिए परिजन जो है उसके इलाज के दौरान वो पीजीआई में है। तो अभी परिजनों ने इस पर कोई स्पष्ट नहीं बताया है कि आखिर मामला क्या था और आगे क्या होगा। अभी तो कार्रवाई, गिरफ्तारी युवक को गिरफ्तार किया जाए तभी आगे स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर क्या मामला था। और इसमें पुलिस का क्या कुछ कहना है दीपांशु? अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा का कहना है कि गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जैसे ही युवक गिरफ्तार होता है, अभी उसने जो गिरफ्तार किया गया, अभी युवक को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जब गिरफ्तार हो जाएगा तभी कुछ स्पष्ट हो सकेगा। ठीक है दीपांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।